हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन में आप कैसे डाटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं ब्लूटूथ से, और ब्लूटूथ से कैसे फाइल वगैरह ट्रांसफ़र कर पाएंगे मोटो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप कर दिया ऑल आइकन्स ओपन, फिर आपको फाइल आइकन्स पे जाना है, जिससे फाइल ट्रांसफ़र आप करना चाहते हैं ब्लूटूथ से आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको शेयर पे जाना है। शेयर पे जाते ही आप देखते हैं कि हमने फ़ोन ले लिया, इसमें हम फाइल ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो ब्लूटूथ पे क्लिक करना है, इसको टर्न ऑन कर देना है, और जो दूसरे फ़ोन का ब्लूटूथ है उसको भी टर्न ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर इसको इस पर क्लिक करना है, देख सकते हैं, तो इसमें एक्सेप्ट ऑप्शन आएगा, जिससे जो आपका ब्लूटूथ से फाइल वगैरह इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्लूटूथ से आप फाइल ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं और कर पाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड फाइल भी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है आपके फ़ोन में। तो इस तरीके से ब्लूटूथ से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।